फाइनली भाई आज राम मंदिर के दर्शन कर लिए और भाई मंदिर काफी शानदार और काफी भव्य बनाया गया है। इतनी कड़ी तपस्या से राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये है भाई भगवान श्री राम और माता सीता का महल। देख, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो हेलो गाइस, जय श्री राम। तो भाई मैं हूँ श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में और आज है भाई 24 तारीख और भाई भगवान श्री राम के दर्शन हो चुके हैं भाई। चालू अब लोग अब भक्त कर सकते हैं भाई दर्शन, क्योंकि भाई 22 तारीख से बंद थे दर्शन, अभी 24 तारीख है तो भाई दर्शन अब चालू है। और भाई भक्तों में आप भीड़ देख सकते हैं भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देख सकते हैं भाई। काफ़ी उत्साह है भाई लोगों में राम मंदिर के लिए और राम मंदिर के दर्शन के लिए, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। तो गाइस आज मैं दिखाने वाला हूँ भाई तुम्हें अयोध्या का माहौल और भाई राम मंदिर के दर्शन कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं, क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है भाई, और क्या क्या रूल्स है राम मंदिर के। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, आज बहुत ज़्यादा लोग आए हैं भाई दर्शन के लिए, दूर दूर से भाई लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। और आज मैं तुम्हें सारी जानकारी दे दूंगा भाई कि मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ है या नहीं अलाउ है, क्या क्या हम लेके जा सकते हैं मंदिर के अंदर, और कैसे दर्शन हो रहे कैसे नहीं, सारी चीज़ें भाई आज मैं तुम्हें बताऊँगा। और राम मंदिर का नज़ारा दिखाऊँगा भाई कि क्या माहौल है उधर का। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ भाई राम मंदिर के एकदम पास और भाई मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि भक्त भाई कितनी ज़्यादा कड़ी तपस्या करके आ रहे हैं राम मंदिर के दर्शन के लिए। आप सामने देख सकते हैं भाई कैसे लेट लेट के अपनी मनोकामना के लिए और भाई दर्शन के लिए श्री राम के मंदिर के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भाई कितनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, सामने से भी देख सकते हैं भाई कितनी कड़ी तपस्या चल रही है भाई इनकी, इतनी कड़ी तपस्या से राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली भाई आज राम मंदिर के दर्शन कर लिए और भाई मंदिर काफ़ी शानदार और काफ़ी भव्य बनाया गया है, लेकिन भाई मंदिर के अंदर ना कैमरा अलाउ है ना फ़ोन अलाउ है। अभी भाई मैं मंदिर के थोड़ा जस्ट बाहर आ गया हूँ और भाई इधर ये जो है इधर भाई कॉरिडोर बनाया गया है, इधर सारा सामान जो है सारा जमा हो जाता है, इधर ही सारा सामान, इधर मोबाइल कैमरा बैग वगैरह चप्पलें जो भी है तुम्हारी इधर ही जमा हो जाती है। और सामने भाई देख सकते हो आप यहाँ पे भाई बहुत सारे हैंगर लगाए हुए हैं जूते वूते रखने के लिए, जूते टांगने के लिए, आप इधर जूते वूते भी रख सकते हो इधर की साइड। और भाई भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत सारी भीड़ है भाई राम मंदिर के लिए, बहुत लोग आ रहे हैं भाई दूर दूर से। ये है भाई अंदर का नज़ारा कुछ, मंदिर के बिल्कुल अंदर तो जा नहीं सकते भाई कैमरा लेके, लेकिन भाई मंदिर काफ़ी अद्भुत और काफ़ी शानदार काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है भाई। तो गाइस बहुत ही अच्छी बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है भाई भक्तों के लिए, भक्तों के ठहरने के लिए भाई हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, उनके सामान का और उनके भाई दर्शन का। जैसे कि भाई ज़्यादा इधर भीड़ नहीं होती, आप 15-20 मिनट में आराम से इधर दर्शन हो जाते हैं भाई, ऐसा कोई है, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ भाई ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं इधर। तो भाई आप भी आओ राम मंदिर के दर्शन के लिए, तो कमेंट्स में भाई जय श्री राम जरूर लिखना। और भाई बहुत सारे भक्त हैं इधर, आप देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा है भाई ये। जय जय श्री राम। आंटी राम मंदिर के दर्शन किए? हाँ बहुत अच्छे से, 2 बार किए भैया। अच्छा तो कैसा लग रहा है आज? बहुत मजा आया, सारा जिंदगी का खुशियाँ मिल गई आज। अच्छा। सोचा था आए थे जब, उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा दर्शन होगा। अच्छा। पर बहुत अच्छे से दर्शन हो, बहुत अच्छी व्यवस्था है। गाइस अभी भाई मैं हूँ राम जन्मभूमि पथ के पास, ये है भाई ये देखो राम मंदिर में जाने का मेन रास्ता, और यहाँ पे भाई भगवा रंग के बैरिकेड्स लगा दिए हैं, और ये सामने भाई कॉरिडोर बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए ये भी काफ़ी शानदार सजाया गया है, देख लो भाई। और इधर की ये दीवारें, कैसा लग रहा भाई राम मंदिर के दर्शन करके? क्या लगा, मजा आ गया, मजा आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई लोगों में भाई बहुत सारा उत्साह है, बहुत उत्साह भाई लोगों में, और बहुत खुश है राम मंदिर के दर्शन करके लोग, उनको भाई बहुत खुशी महसूस हो रही है लोगों को। और देख सकते हो भाई सामने से कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं भाई दर्शन के लिए। लेकिन भाई एक अच्छी बात है, इधर बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें दर्शन के लिए, 15-20 मिनट में तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे अच्छी तरीके से, ज़्यादा ये नहीं कि भाई 3-4 घंटे तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा भीड़ में। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ भाई कनक भवन, जहाँ भाई माता सीता और भगवान श्री राम त्रेता युग में रहते थे,
और भाई इसकी जानकारी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, आप देख लो ये सामने भाई, इसके बारे में सारी डिटेल सारी जानकारी लिखी है, आप स्क्रीनशॉट लेके या इधर होल्ड करके पढ़ सकते हैं। और भाई अभी मैं चलता हूँ तुम्हें लेके कनक भवन के अंदर। तो भाई ये है अंदर से कनक भवन का दृश्य, आप देख सकते हो भाई कितना शानदार और कितनी लोगों की भीड़ है भाई इधर कनक भवन में। और ये है भाई सामने कनक भवन, जो कि भाई ऐसा दिखता है, लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई इधर। मैं दिखाता हूँ भाई तुम्हें एक्सप्लोर करके ये कि अंदर से और कैसा दिखता है। ये सामने भाई मूर्त बनाई गई है माता सीता की, और सामने की तरफ से भाई ये देखो कनक भवन कितना भव्य है और कितना शानदार लग रहा है। तो गाइस ये है भाई भगवान श्री राम और माता सीता का महल, देख सकते हैं भाई पीछे से कितना शानदार और कितना अद्भुत है ये महल, कितना भव्य है। भाई भगवान श्री राम इधर ही रहते थे, माता सीता इधर ही रहती थी, आप देख सकते हैं भाई कितना पवित्र है भाई ये महल, कितने सौभाग्यशाली हैं भाई हम जो जहाँ भगवान श्री राम और माता सीता रहती थी हम उधर आ पाए, आप देख सकते हैं भाई। जय श्री राम बाबा जी, मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत कर सकता हूँ? अच्छा थोड़ा बताएंगे इस महल के बारे में? क्या ये तो चक्रवर्ती जी का महल है, और ये अपनी रानी को मजली को दिए हुए थे केकई को, केकई माँ को, है ना। जब चारों भैया जनकपुर से भी आए के आए हैं तो केकई माँ ने अपने भरत को न दे करके, मानी मांडवी को न दे करके अपनी बड़ी बहू सीता को ही मुँह दिखाई में दे दिया था ये महल। हाँ ये महल कनक का पहले सत्ता सोने का ही था। अच्छा अब तो जमाना तब से लाखों वर्ष बीत चुकी हैं, जब मकान की तो आयु एक हजार वर्ष ज्यादा किसी की है नहीं, सबकी आयु नियुक्त है। तो ऐसे करके उन्होंने सीता माता को दिए गए, तो ये सीताराम महल भी कहा जाता है, जानकी महल भी कहा जाता है, कनक भवन भी कहा जाता है। इसमें सीताराम जी का ही मंदिर के अंदर में बास है, तीन विग्रह है, तीनों विग्रह उत्तम मध्यम लघु, तो तीनों विग्रह भगवान राम सीता राम जी के, यहाँ पर दूसरे का कोई निवास नहीं है, यही बात है। तो गाइस ये देखो भाई अंदर से कनक भवन, और सामने की तरफ देखो भाई लोग इधर भी भाई माता सीता और भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आते रहते हैं, और सामने की तरफ माता सीता और भगवान श्री राम की मूर्ति है। लगा इधर कनक भवन में आके बहुत अच्छा लगा, कनक भवन में राम जी का पूरा दरबार अयोध्या ही अच्छी लगी। अच्छा। इतना बढ़िया कि पूछा, हम एमपी के रहने वाले हैं। अच्छा। ये मेरे बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं और। अच्छा अच्छा। हाँ। तो राम मंदिर के दर्शन किए थे? बहुत अच्छे, रामलला के दर्शन कल ही कर लिए हमने, आज भी। हाँ और आज भी करे दर्शन हम हनुमान टेकड़ी के, करे हनुमानगढ़ के, बहुत आनंद है, सयूरी नदी के परसों करे, आनंद ही आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा हमें। सीताराम 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 भजिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 भजिए, जाही विधि राखे राम जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ, विधि का विधान जान लाभ हानि सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यही विधि राखेला ताही विधि रहिए, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भावेगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भावेगा, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, बिरबल सियावर रामचंद्र की जय, प्रजापति पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। तो गाइस ये देखे भाई सामने यहाँ पे भगवान श्री राम के चरण चिन्ह हैं, बहुत ही दिव्य दर्शन है भाई, जो इनके दर्शन कर लेता है भाई उनकी सारी मनोकामना और सारे दुख सुख दूर हो जाते हैं, ये भगवान श्री राम के चरण चिन्ह हैं।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ठीक है गाइस, जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं भाई कल बढ़िया सी वीडियो लेके, शानदार सी वीडियो लेके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।